Hello, dear friends. Look at this. This is my new air fryer. ये मेरी दूसरी परचेज है. इससे पहले मेरे पास जो एयर फ्रायर था वो प्रेस्टीज कंपनी का था. उसे मैंने बहुत यूज़ किया है और कोई शिकायत नहीं है मुझे उससे. बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे बनाने का मौका मिला है उसमें. वो मैंने फेसबुक पे आपके साथ शेयर भी की हैं और काफ़ी लोग जो हैं जो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं उन्होंने मुझे एयर फ्रायर का यूज़ करते हुए उसमें डिशेस बनाते हुए मेरी पोस्ट देखी हैं और उन्हें सराहा है. इस बार मैंने ये एयर फ्रायर लिया है हैवल्स कंपनी का, हैवल प्रो लाइफ डिजी एयर फ्रायर. ये 1230 इसकी वाटेज है जबकि जो और एयर फ्रायर हैं उनकी 1400 या 1500 वाटेज होती है. कह लीजिए कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो. हो सकता है वो इससे टाइम थोड़ा कम लें लेकिन मैंने ये परचेज़ किया है इस ये देखने के लिए कि ये डिजिटल है सो ये उससे कितना बेहतर या कितना एक्यूरेटली काम करता है. सो ये है मेरा नया एयर फ्रायर और मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है, हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये ऑपरेट कैसे होता है. सो लेट मी डू दैट फॉर यू नाउ. इसको जब हमें चलाना है तो सबसे पहले मैंने इसे प्लग इन किया है और ये स्विच ऑन कर दिया है. इसे ये बीप की आवाज़ आएगी और ये जो एक इंडिकेटर है ये इसका मोड फंक्शन जो है वो ग्लो होना शुरू हुआ है. लुक एट दिस, ये जो बटन है ये इंडिकेटर जो है वो ग्लो कर रहा है. सो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे चलाना कैसे है. ये इसके दो बटन्स हैं टाइमर के, इस पे टाइमर प्लस और टाइमर जो है उस पे माइनस का साइन है. सो जब हम प्लस बटन दबाएंगे तो टाइमर इसका जो है वो टाइम बढ़ जाएगा. अगर माइनस वाला टाइमर का बटन दबाएंगे तो ऑब्वियस है कि टाइम कम हो जाएगा. सो जब मैं इसका मोड बटन प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन पे अपीयर होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड्स और टाइमर जो है वो ज़ीरो पे ही सेट है. सो जब ऑब्वियस है कि मुझे इसका टाइम बढ़ाना ही है. सो जब मैं टाइम प्लस प्रेस करता हूँ तो टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है. 1 मिनट का ये इंटरवल है, जब जितनी बार आप दबाएंगे उतना इसका टाइम बढ़ता जाएगा. लुक एट दिस, अगर मुझे इसे 10 मिनट के लिए फिक्स करना है तो मुझे 10 बार इसे दबाना है. सो ये अब हम देखें तो स्क्रीन पे टाइमर 10 मिनट फिक्स हो गया है 10 मिनट के लिए और जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है. और टेम्परेचर की जो रेंज है वो जब मैं मोड का बटन दोबारा से प्रेस करता हूँ इसका तो 150 पे आ जाता है. सो इसकी जो टाइमर की टेम्परेचर की रेंज है वो है फ्रॉम 150 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड. लुक एट दिस, एज आई प्रेस द बटन टेम्परेचर गोज़ अप. सो इट इज़ नाउ फिक्स्ड ऑन 200 डिग्री सेंटीग्रेड. सो जब आपने इसे इस्तेमाल करना है आप इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिक्स कर सकते हैं. और जो टाइमर की रेंज है इसकी वो है 00 मिनट से लेके 60 मिनट तक. सो टाइमर जो है वो हम अपने हिसाब से, जैसे आप डिश बना रहे हैं, जैसे आप स्नैक तैयार कर रहे हैं इसमें, उस हिसाब से फिक्स करेंगे. और जो टेम्परेचर है वो भी उसी हिसाब से कि कितने टाइम के लिए और कितने टेम्परेचर पे आपने उस चीज़ को बनाना है जो आप इसमें रखेंगे और इसे पकाएंगे. सो ये हो गया. अब मैं इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या इसके पार्ट्स हैं उनके बारे में बताता हूँ. सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक बटन दे दिया गया है इस पे जो कि बकेट को लॉक करता है. इसमें हम इसकी बकेट को ऐसे पुल करेंगे तो ऐसे बाहर नहीं आ रही है, लेकिन जब मैं इसे अगेंस्ट द वॉल पुश करता हूँ तो ये बकेट बाहर आ गई है. लुक एट दिस, सो ये है इसका वो पैन जिसमें हम कोई भी चीज़ रख के एयर फ्राई कर सकते हैं. और इसके बाद एक और बटन है यहाँ पे, लुक एट दिस दिस वन. जब हम इसे दबाते हैं नीचे की तरफ तो ये बकेट जो है हम उसे बाहर निकाल सकते हैं. और चीज़ रखना कैसे है और बाहर बाद में प्लेट में कैसे डालते हैं सो आपके लिए ये आसान हो जाता है. इसमें ये कट्स दिए गए हैं, ये नीचे स्लॉट्स दिए गए हैं ताकि जो एयर की मूवमेंट है वो अच्छे से हो और जो भी आप इसमें बनाना चाहें वो अच्छे से पक जाए. सो आप इसमें सामान या जो भी चीज़ आप रखेंगे उसे आप ऐसे रख के इसमें फिक्स कर सकते हैं और ऐसे ही बाद में इसे इंसर्ट कर देंगे इस चैम्बर में
और जब आप इसके बाद इसका बटन दबाएंगे ऑन का, इट विल स्टार्ट वर्किंग। लुक एट दिस, आवाज़ आ गई होगी आपको कि ये चलना शुरू हो गया है। और जब हम इसका बटन अगर ऑफ़ कर देते हैं, जब आपने बीच में कभी जो भी इसमें स्नैक्स रखे हैं, जो भी आप पका रहे हैं, उसे कुछ ट्रीट करना है, उसे मूव करना है या ऑयलिंग करनी है दोबारा उसकी, तो आप इसका ऑफ़ बटन दबा के फिर से उसे जब प्रेस करेंगे ऑन बटन, तो ये फिर से चल जाएगा लाइक दिस। ये देखिए बॉक्स के ऊपर भी उन्होंने जो पिक्स दिए हैं वो हैं फ्रेंच फ्राइज़ और कुछ नगेट्स हैं। सो जो हम यूज़ करते हैं फ्रोज़न फूड, हम फ्रिज में रखते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम वो निकाल के या तो हम उन्हें डीप फ्राई करते हैं, लेकिन अगर आप ऑयल का कम इस्तेमाल करते हैं या आप कहें कि कम यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर एयर फ्रायर से अच्छी कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। इट्स वर्थ बाइंग एंड वर्थ यूजिंग फॉर दोज हु आर हेल्थ कॉन्शियस एंड अवॉइड ऑयल। सो इट्स रियली रियली गुड। और जो और फीचर इसके बताए गए हैं वो इन्होंने बताया है, लुक एट दिस, एडवांस हॉट एयर टेक्नोलॉजी जो एयर हीटिंग के लिए है। ऑब्वियस है कि चैम्बर छोटा है तो एयर की मूवमेंट अच्छी होगी, तो कोई भी चीज़ अच्छे से पक जाएगी। 4 लीटर पैन कैपेसिटी, ये इसकी कैपेसिटी है जो बकेट मैंने बाहर निकाला था, 4 लीटर। ऑटो शट ऑफ, ये टाइमर का है कि अगर आप टाइमर फिक्स कर देंगे इसका तो ऑटोमेटिकली उतने टाइम के बाद ये स्विच ऑफ हो जाएगा। डिजिटल डिस्प्ले है जो ऊपर स्क्रीन जो है उसी को डिजिटल बोल रहे हैं। और ये टाइमर है इसका 0 to 60 मिनट, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। टेम्परेचर सेटिंग है वो भी मैंने बता दी है आपको। और ये 2 ईयर वारंटी है इस चीज़ की। ये मैं क्योंकि मैंने अभी इसमें बनाया कुछ नहीं है, अभी पहली डिश भी मुझे बनानी है इसमें, सो इसकी वर्किंग का मुझे तभी पता चलेगा जब मैं इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जो प्रेस्टिज का था वो मैंने बहुत यूज़ किया है और बहुत अच्छे से यूज़ किया है। आई विल रिकमेंड कि एयर फ्रायर आप ज़रूर लें, बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं जो भी इसमें बनाऊँगा डिश वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए वेट कीजिए आप, आई विल कम टू यू वेरी शॉर्टली विद सम ऑफ माई डिश और एनी ऑफ माई डिश। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बींग विद मी। थैंक यू।